हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छबी सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर ब्रिटिश फिक्शन से जेन ऑस्टिन के बायोग्राफी और वर्क्स को। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए चलते हैं जेन ऑस्टिन की बायोग्राफी और वर्क्स पर। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट जेन ऑस्टिन्स बायोग्राफी एंड वर्क्स। जेन ऑस्टिन वॉज बॉर्न ऑन 16 December 1775 एट स्टीवेंटन, हैम्पशायर, इंग्लैंड। यानी जेन ऑस्टिन का जन्म इंग्लैंड के हैम्पशायर में स्टीवेंटन नामक जगह पर 16 दिसंबर 1775 में हुआ था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सी डाइड, इनकी मृत्यु एट द एज ऑफ 41 41 साल में हो गई थी, इन 18 जुलाई 1817। यानी 1817 में 18 जुलाई को 41 वर्ष की अवस्था में इनकी मौत हो गई थी एट वेंचेस्टर, हैम्पशायर, इंग्लैंड। इंग्लैंड के हैम्पशायर विंचेस्टर में। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सी वॉज बरीड इन विंचेस्टर कैथेड्रल, हैम्पशायर। इनको बरीड यानी दफनाया गया था हैम्पशायर के विंचेस्टर कैथेड्रल यानी कब्रिस्तान में। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, हर फादर नेम वॉज जॉर्ज ऑस्टिन, इनके पिता का नाम जॉर्ज ऑस्टिन था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, हर मदर नेम वॉज कैसेंड्रा ले, इनकी माँ का नाम कैसेंड्रा लेह था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जॉन ऑस्टिन वॉज सेवेंथ चाइल्ड ऑफ जॉर्ज एंड कैसेंड्रा। यानी जॉर्ज ऑस्टिन अपने माता पिता जॉर्ज एंड कैसेंड्रा के सातवें बच्चे थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन 1783 यानी 1783 में जेन ऑस्टिन एंड हिज सिस्टर कैसेंड्रा वर सेंट टू ऑक्सफोर्ड टू बी एजुकेटेड। यानी जेन ऑस्टिन को और इनकी बहन कैसेंड्रा को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऑक्सफोर्ड भेजा गया था। दोस्तों, यहाँ एक पॉइंट आपको बता दूं कि जेन ऑस्टिन की माँ का नाम भी कैसेंड्रा था और इनकी जो बड़ी बहन थी उनका नाम भी कैसेंड्रा था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जेन ऑस्टिन रोट 3 short plays, इन्होंने 3 short play लिखे ड्यूरिंग हर टीन एज, अपनी टीन एज के दौरान। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन 1790 यानी 1790 में सी रोट, इन्होंने लिखा एक सटारिकल नॉवेल लिखा जिसका नाम था लव एंड फ्रेंडशिप। व्हेन सी वॉज ओनली 14 years old, ये जो सटारिकल नॉवेल था लव एंड फ्रेंडशिप, जब ये 14 वर्ष की थी उन्होंने ये नॉवेल तब लिखा था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन 1791 यानी 1791 में ऑस्टिन रोट, ऑस्टिन ने लिखा द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। दिस वर्क वॉज अ पैरोडी, ये जो वर्क था जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड है, एक पैरोडी यानी एक नकल की गई है ऑफ ऑलिवर गोल्ड स्मिथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। यानी ऑलिवर गोल्ड स्मिथ के हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड की नकल की गई है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, देयर आर 2 works ऑफ जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन के 2 works हैं जिनका नाम नॉर्थेंगर एबी एंड परसुएशन है, हु पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ जेन ऑस्टिन। यहाँ पर स्पेलिंग ये है, जेन ऑस्टिन। तो ये जो 2 work हैं जिनका नाम नॉर्थेंगर एबी और परसुएशन है, ये जेन ऑस्टिन की मौत के पश्चात पब्लिश्ड हुए थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सी रोट शॉर्ट एपिस्टोलरी नॉवेल नेम्ड, इन्होंने
एक शॉर्ट एपिस्टलरी नॉवेल लिखा जिसका नाम लेडी शोशेन था, बिटवीन 1793 टू 1795, जो 1793 से 1795 के बीच में लिखा गया था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, हर मोस्ट सक्सेसफुल नॉवेल यानी जेन ऑस्टिन का जो सबसे सक्सेसफुल नॉवेल है उसका नाम था प्राइड एंड प्रेजुडाइस, पब्लिश्ड इन 1813, जो 1813 में पब्लिश्ड हुआ था। दोस्तों, इस वर्क के ऊपर, प्राइड एंड प्रेजुडाइस के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट की ओर, हर क्लोसेट कंपेनियन, क्लोसेट कंपेनियन मतलब बहुत खास इनका जो दोस्त था यानी जो साथी था, वॉज हर एल्डर सिस्टर कैसेंड्रा, वो इनकी बड़ी बहन कैसेंड्रा थी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नाइदर जेन ऑस्टिन यानी ना तो जेन ऑस्टिन ने, नॉर हर एल्डर सिस्टर कैसेंड्रा और ना ही उनकी बड़ी बहन कैसेंड्रा ने मैरिड शादी की थी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अनदर सक्सेसफुल वर्क ऑफ जेन ऑस्टिन वॉज यानी जेन ऑस्टिन का एक और सक्सेसफुल वर्क था जिसका नाम मैंसफील्ड पार्क था, बिगेन इन 1811, जो 1811 में शुरू हुआ, फिनिश्ड इन 1813, 1813 में ये फिनिश हुआ, एंड अपीयर्ड इन 1814 और 1814 में ये आया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जेन ऑस्टिन रोट इमा, जेन ऑस्टिन ने एक नॉवेल लिखा जिसका नाम इमा था, इन 1814-15, जो 1814 और 15 में लिखा गया, एंड पब्लिश्ड इन दिसंबर 1815, जो पब्लिश्ड हुआ दिसंबर 1815 में। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन कंप्लीट वर्क ऑफ जेन ऑस्टिन वॉज सैंडिसन, जेन ऑस्टिन का एक इनकम्प्लीट वर्क था जिसे वो पूरा नहीं कर पाए थी, उसका नाम सैंडिसन था। बिकॉज ऑफ हर डिक्लाइन हेल्थ, ये वर्क इसलिए ये कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि जो इनकी हेल्थ थी वो गिर रही थी यानी उनके स्वास्थ्य का पतन हो रहा था। बिकॉज मतलब क्योंकि, सी वॉज सफरिंग फ्रॉम, ये पीड़ित थी एक बीमारी से और उसका नाम है एडिसन डिसीज, याद रखिएगा, इस बीमारी के कारण इस वर्क को ये कंप्लीट नहीं कर सकी थी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सी वॉज अ ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ रोमांटिक एज, ये रोमांटिक एज की एक महान उपन्यासकार थी। रोमांटिक एज को आपको पता ही है, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सी वॉज राइटिंग द नॉवेल सैंडिसन व्हेन सी डाइड, जब इनकी मृत्यु हुई उस समय ये एक नॉवेल लिख रही थी जिसका नाम सैंडिसन था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम के दौरान जेन ऑस्टिन मे हैव रिटन एज मैनी एज 3000 लेटर, लगभग इन्होंने 3000 लेटर्स लिखे थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मैनी ऑफ द लेटर्स वर रिटन टू हर एल्डर सिस्टर कैसेंड्रा, ज़्यादातर जो लेटर लिखे गए इनकी बहन कैसेंड्रा के द्वारा लिखे गए थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जेन ऑस्टिन डिपेक्टेड इंग्लिश मिडिल क्लास लाइफ, जेन ऑस्टिन ने डिपेक्टेड वर्णन किया था इंग्लिश मिडिल क्लास लाइफ का, ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी यानी शुरुआत की 19वीं शताब्दी के दौरान। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, द फर्स्ट नॉवेल ऑफ जेन ऑस्टिन वॉज सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811, जेन ऑस्टिन का जो फर्स्ट नॉवेल था, जो पहला नॉवेल था, उसका नाम सेंस एंड सेंसिबिलिटी था, जो 1811 में पब्लिश्ड हुआ था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जेन ऑस्टिन वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, जेन ऑस्टिन एक इंग्लिश उपन्यासकार थी, नोन स्पेशली फॉर द 6 मेजर नॉवेल्स, इन्हें 6 मेजर नॉवेल्स के द्वारा जाना जाता है। नीचे 6 नॉवेल्स आपके सामने दिए गए हैं, लेट्स सी। फर्स्ट नॉवेल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जो 1811 में पब्लिश्ड हुआ। सेकंड, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, जो 1813 में पब्लिश्ड हुआ। तीसरा, मैंसफील्ड पार्क, जो 1814 में पब्लिश्ड हुआ। चौथा, इमा, जो 1815 में पब्लिश्ड हुआ। नंबर फिफ्थ, नॉर्थेंगर एबी 1817-1818 और लास्ट है परसुएशन 1817-1818। एक नोट है, नॉर्थेंगर एबी एंड परसुएशन
पब्लिश्ड पोस्थमसली। दोस्तों पोस्थमसली का मतलब होता है आफ्टर द डेथ ऑफ जेन ऑस्टन, यानी जेन ऑस्टन की मौत के बाद ये दोनों के दोनों जो इनके नावल हैं जिसका नाम नॉर्थहैंगर एबी और परसुएशन है, ये पब्लिश्ड हुए थे। तो दोस्तों ये था आपका वीडियो बायोग्राफी और वर्क्स ऑफ जेन ऑस्टन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश भाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।